प्रश्न पत्र सी है जिंदगी, जस की तस स्वीकार है, यहाँ कुछ भी वैकल्पिक नहीं, सारे प्रश्न अनिवार्य है। एक कपल था जिनका रिलेशनशिप काफी सालों से चल रहा था, लेकिन लड़के ने कभी बताया नहीं कि उसकी माँ को पैरालिसिस है। शादी की बात आई, लड़की को पता चला, लड़की थोड़ी सी नाराज हुई और उसने कहा कि मुझसे इतनी सारी सेवा नहीं हो पाएगी। लड़के ने इस बात को हेल्दी वे में लिया और दोनों ने अपना ब्रेकअप कर लिया। दोनों ने मूव ऑन किया। 5-7 साल बाद लड़के की माँ की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ लड़की ने शादी कर ली थी, फिर एक अलग शहर में दोनों का मिलना हुआ किसी एक इवेंट में अचानक से, और लड़की ने 3-4 साल के बच्चे को व्हीलचेयर पर लिए हुए था। उसने कहा ये मेरा बेटा है और इसे पैरालिसिस है। लड़के ने कहा भगवान तुम्हें शक्ति दे, और इतना कह के लड़का वहां से चला जाता है। यहाँ पर बात लड़के या लड़की की नहीं है, यहाँ पर बात आ जाती है जिम्मेदारियों की। जिंदगी जो आपके सामने जिम्मेदारियां लाती है, उन जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे मत हटो, क्योंकि इससे आप कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। जितना आप इससे दूर भागोगे, ये आपके उतना नजदीक आएगी, उतना करीब आएगी। अगर माँ की सेवा की होती तो ऑलमोस्ट 5-7 साल करनी पड़ती, लेकिन बेटे की सेवा तब तक करनी पड़ेगी जब तक खुद की डेथ नहीं हो जाती। जिम्मेदारियों से कभी भागना मत, जितना हो सकता है उसी वक्त अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर, इसी में मुक्ति है और इसी में आपकी शक्ति है।